हेलो व्हाट्स अप निक आर्मी, कैसे हो आप लोग। निक वाइन से स्नैप बैक विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो कि है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर कहीं जाएंगे नहीं। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ पे हमारे रोहित भाई। कैसे भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया, एक नंबर। तो भाई देखो, जो सारा सीन स्टार्ट हुआ ना, वो एल्विश यादव भाई की वीडियो से स्टार्ट हुआ। भाई जरा वीडियो दिखाना। ठीक है, ये एल्विश भाई ने वीडियो निकाली और भाई टिकटॉक के बंदों को कर दिया रोस्ट। ठीक है, वहाँ से रोस्टिंग की भाई ये पूरी जो एक कहते हैं ना आग लगा दी भाई, वहाँ से ये पूरा स्टार्ट हो गया। और भाई कई बंदे बोल रहे कि भाई उन्होंने गाली दी, उन्होंने ये रोस्ट किया। तो भाई रोस्ट का मतलब क्या है? अगर भाई वो सीधा बोलेंगे भाई टिकटॉकर अच्छा नहीं कर रहे, तो ना भाई तुम देखोगे ना कुछ फायदा नहीं है। तो भाई रोस्ट तो ऐसे ही होता है, तुम उसको अच्छे से हैंडल करो, उसको सपोर्टिंगली लो भाई। ठीक है, और भाई हाइप किसने दी? जनता ने हाइप दी ब्रो। ठीक है, आप ही लोगों ने पहले भी रोस्टिंग हुई है। हाँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोस है जो जिन बंदों ने टिकटॉक को रोस्ट किया, बट भाई एल्विश यादव है सारे जानते हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा हुआ कि भाई हमारे पे वीडियो कैसे निकाल दी भाई। फिर वहां से हमारे टिकटॉक से आ गए भाई आमिर भाई। अब उनको भी जो चल रहा था, सबको भाई व्यूज चाहिए, फॉलोवर चाहिए, ट्रेंडिंग के अंदर आना है, तो भाई उन्होंने वहां से वीडियो निकाल दी। और उनका तो नाम नहीं था उनकी वीडियो में, एल्विश भाई की वीडियो में। जो एल्विश भाई ने रोस्ट किया उसके अंदर आमिर भाई का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन भाई वहां से वही मैं बताऊँ ना, ट्रेंडिंग का सिस्टम है, सबको आना है जो ट्रेंड चल रहा है भाई, पैसा चाहिए सबको। तो उसके अंदर वो वहां से आए और उन्होंने फिर वीडियो डाली, फिर IGTV पे उन्होंने वीडियो डाली, फिर IGTV से बहुत सारे बंदों को पता चला कि हाँ भाई अब इनके टिकटॉक वैसे यूट्यूब का केओस चल रहा है। ठीक है, वहां से फिर जो हमारा जो पूरा मैटर था उसमें कैरी भाई का नाम ही नहीं था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने, जनता ने वहां पे उनको कमेंट किया कि हम कैरी भाई की वीडियो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब कम्युनिटी का रोस्टर का नाम ले तो कैरी भाई का नाम आता है, तो भाई रोस्टिंग के उसमें कैरी भाई की वीडियो बनती है। तो फिर वहां से आमिर भाई ने क्या बोला कि मैं बहुत ग्लैड हुई, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर कैरी भाई मेरे को रोस्ट कर दे। सो गाइस, कैरी भाई तक ये वीडियो कैसे पहुंची, मतलब कैरी भाई को क्यों वीडियो निकालनी पड़ी? तो भाई क्या था, आमिर भाई ने IGTV वीडियो पे सारे बंदे को टैग कर दिया, सारे जितने भी थे, टोटल सारे भी बंदे थे यूट्यूब पे कम्युनिटी के, जो भी रोस्टर वगैरह थे उनके सबको टैग कर दिया कि, और इसीलिए व्यूज के लिए, ट्रेंडिंग के लिए, ताकि मेरे ऊपर वीडियो बने। और ये क्या और जो रोस्ट नहीं भी करते उनको भी टैग करा, हर्ष को भी टैग करा, आशीष को भी टैग करा, बीबी को भी टैग करा, सबको टैग कर, सबको टैग करा। तो भाई यहाँ पे आपको पता है यूट्यूब कम्युनिटी पे अपने भुवन बाम हो गए और कैरी मिनाटी हो गए, हर्ष बैनीवाल हो गए, सारे आपस में बातचीत करते हैं। तो भाई हर्ष बैनीवाल ने कैरी भाई को वीडियो भेज दी कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे सीन चल रहा है, और कैरी भाई का वीडियो बनाने का कोई मोटिव भी नहीं था, कोई मन भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था भाई ये टॉपिक बहुत हाइप होने वाला है, बट भाई हर्ष बैनीवाल की तरफ से थोड़ी सी हाइप मिली, मैं भी होता उन्होंने मजाक में बोला। तो भाई अब यहाँ से उनका बनता था वीडियो निकालना, फिर यहाँ से भाई कैरी भाई ने वीडियो निकाली। और वीडियो निकालने के बाद तो आप लोग को पता ही है, सब रिकॉर्ड टूट चुके हैं, इंडिया के मोस्ट लाइक वीडियो नॉन म्यूजिक में वो बन चुकी है, सबसे ज्यादा व्यूज आ चुके हैं 5 दिनों में, और कमेंट मतलब भाई बहुत ही बूस्ट हो गया वो वीडियो, मतलब बहुत ही ज्यादा वायरल भी हो गई और बहुत ज्यादा लाइक कमेंट शेयर, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया, तो बहुत मैटर और हाइप हो गया कि हाँ भाई ये सब चल रहा है। उसके बाद वहां से भी वीडियोस आ रही है थोड़ी थोड़ी, वहां से भी आ रहे बंदे लाइव आ रहे हैं, आके बोल रहे हैं, ये सब सीन था भाई। और एजाज खान भी आए। हाँ, एजाज खान तो भाई अब सबको पता है कि टिकटॉक के वहां पे जो उनका है, उनके लिंक है थोड़े, एजाज खान भाई के जो भी है उनके लिंक है थोड़े उनके साथ, 307 के साथ, तो वहां से उन्होंने करा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि भाई नाटी कौन है, क्या उनकी क्या वीडियो चल रही है, किस उससे चल रहा है, फिर उन्होंने अगले दिन आके लाइव आए थे, लाइव आके सॉरी बोला, लाइव आके उन्होंने सॉरी बोला, फिर वहां से भी वो मैटर क्लोज हुआ। तो भाई ये सब सीन था, और उनको खुद का बच्चा उसका फैन है जी, और उनको खुद का बच्चा उसका फैन है जी। और भाई कैरी भाई की तरफ से अब जो भी है एंड हो चुका है, जो लास्ट वीडियो थी मतलब खत्म हो चुका है, उन्होंने कर दिया जो भी था, लेकिन अभी बंदे हैं। और जो भाई रही बात यहाँ तक कि हम ये नहीं कह रहे कि यूट्यूब अच्छा है या टिकटॉक अच्छा है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें भाई हम वीडियो भी इसलिए बना रहे क्योंकि हमें भी व्यूज चाहिए भाई। ठीक है, व्यूज के लिए वीडियो बना रहे और पूरा मैटर आप लोगों को बता दिया, ये सीन है। और अब भाई दिक्कत ये हो चुकी है कि जो आधे टिकटॉक के बंदे थे अच्छा खासा वीडियो बना रहे थे, अब भाई वो भी डर रहे टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई हाइप इतनी तगड़ी हो चुकी है कि अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही, टिकटॉक पे ही बंदे टिकटॉक को ही रोस्ट कर रहे हो, बताओ। और हमारा खुद का भाई दोनों प्लेटफॉर्म पे, उसे दोनों की मेहनत का पता है यार, बताओ भाई। मैं खुद टिकटॉक भी बनाता हूँ, यूट्यूब भी बनाता हूँ, दोनों चीज चल रही है। भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, निक वाइन्स के नाम से है। ठीक है भाई, दो भाई को भी। सो गाइस, एट द एंड हम देखो ये नहीं कह रहे कि टिकटॉक अच्छा है या यूट्यूब अच्छा है, दोनों अपनी जगह सही है यार, दोनों पे मेहनत करो, तुम भी मजे लो, हम भी मजे ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, पर जो भी है भाई, टिकटॉक पे ही टिकटॉक सही है, टिकटॉक पे ही
टिकटॉक नहीं यार, दोनों सही है। देखो दोनों अपनी जगह सही है, मेहनत चल रही है दोनों। आप ऐसे कैसे कह सकते हो टिकटॉक सही है, वो बात नहीं। यूट्यूब पे क्या है भाई, मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में सब आ रहा है। रुक एक मिनट, जो एलविन भाई के वीडियो निकालने का मेन रीजन क्या था? अब बोल, तूने मेन रीजन क्यों बोल दिया पागल? जो ऊपर उनको वो जिलानी खत्म, मेरे पे ही वीडियो लग रही है। बोर, इतनी बोरिंग वीडियो लग रही है ना भाई।